एज़ वी ऑल न्यू कि हम लोग बर्न कंटिन्यू कर रहे हैं तो आई एम डॉक्टर स्वाति सक्सेना यिज़ियोथेरापी फैकल्टी एट इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज तो अभी हम अपना बर्न आगे कंटिन्यू करते हैं अनलिट तो, सी कि आज हमको क्या पढ़ना है तो कॉम्प्लिकेशन्स ऑफ बर्न कल हम क्लासीफिकेशन ऑफ बर्न एंड इट्स क्लिनिकल फ़ीचर्स ये सारा पढ़ चुके हैं तो आज से हम कॉम्प्लिकेशन ऑफ बर्न स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लिकेशन ऑफ बर्न में पहला है हार्ट प्रॉब्लम्स जब किसी भी ह्यूमन uh, बीइंग में बर्न की इंजरी होती है तो सबसे ज़्यादा स्ट्रेस जो पड़ता है ऑब्वियसली स्किन पे पड़ता है मसल्स पे पड़ता है बट इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन द स्टेज एंड द डिग्री ऑफ बर्न तो अगर थर्ड अगर सेकेंड डिग्री है या थर्ड डिग्री है या फोर्थ डिग्री है तो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन जो पड़ता है वो हार्ट प्रॉब्लम्स पे आता है तो हार्ट प्रॉब्लम्स में सबसे ज़्यादा जरूरी जो होने के चांसेस रहते हैं वो होता है कार्डिक स्ट्रेस इंक्रीजेस ओ टू डिमांड एंड इंक्रीज कार्डियक आउटपुट क्योंकि हमारी बॉडी में ऑलरेडी uh, बर्न हुआ है जिसकी वजह से हमारा जितना भी प्लाज्मा लेवल है जितना भी लिक्विड है वो सारा आउट हो चुका है हमारी बॉडी uh, का जो ब्लड है वो ऑलरेडी विस्कस हो गया है गाढ़ा हो गया है तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का डिमांड बहुत ज़्यादा कम हो जाता है और उसी वजह से क्योंकि एक तो ब्लड गाढ़ा है तो हार्ट को उसे पंप करने में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी जिसकी वजह से कार्डियक स्ट्रेस हो जाएगा और क्योंकि पूरी बॉडी में वाटर लेवल एकदम ख़त्म हो गया ऑक्सीजन का कंटेंट ख़त्म हो गया बॉडी में सी टू और सी भरता जा रहा है उस वजह से ऑक्सीजन का भी डिमांड बढ़ जाएगा और इसी सब वजह से कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है नेक्स्ट हमारा आता है इन्हेलेशन इंजरी तो इन्हेलेशन इंजरी में ये मैंने पहले भी बताया था कि इनहेलेशन इंजरी की वजह से हमारा पूरा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उस पूरी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में स्वेलिंग आ जाती है एडमाज हो जाते हैं जिसकी वजह से हमारी रेस्पिरेशन भी ब्लॉक होने लगती है कई बार डिस्निया होने लगता है नेक्स्ट हमारा आता है निमोनिया ये भी एक कॉम्प्लिकेशन uh, है बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन नेक्स्ट है अडल्ट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम जिसका मतलब है इट इज़ अ कंडीशन इन विच फ्लूड कलेक्ट्स इन द एलविलाई ऑफ लंग्स लीडिंग टू डिक्रीज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन टू ऑर्गन्स मतलब हमारी जो लंग्स है वहाँ पर फ्लूड का कलेक्शन होने लगता है और उस फ्लूड के कलेक्शन की वजह से एलविलाई जो गैशियस एक्सचेंज का, का काम करती है वो वो काम नहीं कर पाती है जिसकी वजह से डिक्रीज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो आ, होती है वो लंग ऑर्गन्स में जाती है और कुछ टाइम बाद ऐसा भी हो जाता है कि हमारे ऑर्गन्स uh, को ऑक्सीजन मिलती ही नहीं है इसी वजह से अटल्ट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो जाता है नेक्स्ट होता है इन्फेक्शन ऑफ द वूंड साइड जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हो ये बहुत ज़्यादा कॉमन है बिकॉज जो बर्न केसेस होते हैं उस पर बहुत ज़्यादा काम नहीं किया जा सकता है इन द एक्यूट केस तो वहाँ पर इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं नेक्स्ट इज़ इन्फेक्शन ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन हो जाता है सेप्टिसीमिया when chemicals release in the blood stream to fight an infection starts inflammation throughout the body जो हमारे blood में antigens होते हैं या जो chemicals होते हैं वो जो uh, हमारी body के against में infection uh, के खिलाफ लड़ते हैं जो हमें immunity provide करते हैं एक टाइम ऐसा हो जाता है ऐसी कंडीशन हो जाती है कि वो हमारी पूरी बॉडी में इन्फ्लेमेशन सूजन रेडनेस और ये सारी चीज़ें करने लगते हैं ऐसी कंडीशन को बोलते हैं सेप्टिसीमिया अब क्योंकि ये ब्लड बॉर्न होता है इस वजह से हमारी पूरी की पूरी बॉडी सेप्टिसीमिया के अंडर में होती है नेक्स्ट इज रीनल एंड लिवर फेलियर रीनल यानी कि किडनी एंड लीवर फेलियर यू नो दे नेक्स्ट इज जॉइंट एफ्यूजन एंड पेरी आर्टिकुलर स्वेलिंग मतलब हमारा जो जॉइंट है कोई भी जॉइंट हो सकता है इट डिपेंड्स अपॉन द इंजरी uh, site causes ऑफ इंजरी एंड the डिग्री ऑफ बर्न तो हमारा जो joint है वो स्वेलिंग आ जाएगा उसमें जो उसके पेरी आर्टिकुलर सब्स uh, पेरी आर्टिकुलर काटलेज हैं या लिगामेंट्स हैं पेरी आर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स जो हैं उन सब में भी स्वेलिंग आ जाती है इस डायग्राम में भी आप देख सकते हो कि नी ज्वाइंट में इसमें स्वेलिंग आ गई है नेक्स्ट इज कैल्सिफिकेशन ऑफ पेरी आर्टिकुलर टिश्यू क्योंकि साथ साथ बॉडी भी कहीं ना कहीं अपने आप को हील करने की कोशिश कर रही है उसकी वजह से जो हमारे पेरी आर्टिकुलर टिश्यूज़ होते हैं उसका कैल्सिफिकेशन हो जाता है नेक्स्ट कम्स द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्कार टिश्यू कॉजिंग जॉइंट डिफॉर्मिटी कल भी मैंने बताया था कि बहुत सारे स्कार टिश्यूज़ बन जाते हैं और स्कार टिश्यू बनने की वजह से जो हमारी स्किन है एक तो ऑलरेडी इलास्टिक है बर्न कंडीशन की वजह से फिर दूसरा उसमें और ज़्यादा कंप्रेशन या कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है तो जो स्कार टिश्यू होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है और हमारे जॉइंट्स को वो और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करता चला जाता है जिसकी वजह से जो हमारे जॉइंट्स हैं उसमें डिफॉर्मिटी आ जाती है जैसा कि आप इस डायग्राम में भी देख सकते हो ये डायग्राम क्लियरली शो कर रहा है कि स्कार टिश्यूज़ की वजह से जैसा कि राइट साइड पर आप ऊपर देख सकते हो कि यहाँ पर थ्रोट के पास अपर चेस्ट में आ, स्कार टिश्यू बना हुआ है और इस स्कार टिश्यू की वजह से Uh, पूरा डिफॉर्मिटी uh, हो गई है थ्रोट की देन अगेन uh, सारा ये थ्रोट के रीजन्स कही दिया हुआ है तो थ्रोट में या बॉडी के किसी भी पार्ट में अगर स्कार टिश्यू बन जाता है और उसके बाद उसका स्काट इशू प्रॉपर्टी होती है कि उसकी स्किन कॉन्ट्रैक्ट होती है स्कार टिश्यू छोटा होता है तो उसकी वजह से जो हमारी जॉइंट है वो भी कहीं ना कहीं कंप्रेस होने लगते हैं और उसी की वजह से जॉइंट डिफॉर्मिटीज़ होती हैं जो पेशेंट को इंडिपेंडेंट नहीं रहने देती हैं डिपेंडेंट बना देती हैं और पेशेंट बहुत इजीली अपनी चीज़ें फंक्शन नहीं कर सकता एंड लास्ट कम्स अ साइकोलॉजिकल ट्रॉमा टू द पेशेंट ये बहुत ज़्यादा ख़राब होता है बिकॉज मेंटली पेशेंट पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाता है उसका सोशल ब्रेकडाउन हो जाता है बर्नड केसेस में लोगों की जो सुंदरता है या लोगों का जो गेटअप है वो चीज़ें दिखना बंद हो जाती हैं वो दे आर नॉट लाइक नॉर्मल पीपल उनकी स्किन नॉर्मल नहीं रहती उनकी स्किन ईस्टर्न में चे, uh, चेंज हो जाती है एक लेदरी स्किन हो जाती है चमड़े जैसी स्किन हो जाती है तो कई एरियाज़ में ऐसा होता है कि लोग उनको सोशली एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं या नहीं करना चाहते हैं तो इन सब चीज़ों की वजह से जो पेशेंट है उसको साइकोलॉजिकल ट्रामो हो जाता है जिसकी वजह से वो एंग्जाइटी डिप्रेशन और इन सब चीज़ों का भी शिकार हो सकता है वो इन सब चीज़ों को भी फेस करता है जैसा कि एसिड अटैक्स में होता है जैसे कि अगर किसी लड़की पर एसिड अटैक हुआ है और उसका पूरा फेस जल जा जल जाए जा उसकी आईब्रो ना हो तब भी उसकी स्किन एक तरह से कॉन्ट्रैक्शन कर लेती है ईश्चर लाइक -like हो जाती है स्कार्स बन जाते हैं एंड फिर सोसाइटी उसको एक्सेप्ट नहीं करती तो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट कॉम्प्लिकेशन ऑफ बर्न साइकोलॉजिकल ट्रामा दैट इज मेंटल ट्रामा टू द पेशेंट तो ये आपके थे कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द बर्न इसके बाद हम मैनेजमेंट पढ़ेंगे एंड इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे थैंक यू वेरी मच